मैं ये समझता हूँ कि ईडी को डिसबैंड कर देना चाहिए। ईडी एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है। जो भी कोई एजेंसी अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में आके झूठे मुकदमे कायम करती है, झूठे इन्वेस्टिगेशन करती है, दबाव बनाती है, उसी तरीके से जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज में ऑफिसर्स हैं, उनसे मैं आह्वान कर रहा हूँ कि देश के संविधान की शपथ ली है आपने, आप अपने अधिकारी जो कि आपके आसपास हैं, जो इस तरीके का क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ आप स्वयं FIR दर्ज करें और उन लोगों को अरेस्ट। मैं ये समझता हूँ कि ईडी को डिसबैंड कर देना चाहिए। ईडी एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है। तो संजय रावत जी ने ठीक किया, बल्कि बाकी सब भी पॉलिटिकल पार्टीज को ईडी और CBI इन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को अब बैन करने का और या तो इनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे लगाने का कार्रवाई करनी चाहिए। IPC में धारा 166A है। जो भी कोई एजेंसी अपने राजनीतिक आकाओं के दबाव में आके झूठे मुकदमे कायम करती है, झूठे इन्वेस्टिगेशन करती है, दबाव बनाती है, ऐसी इन्वेस्टिगेशन करती है जिसका मतलब मकसद कोई क्राइम पकड़ना नहीं है, बल्कि एक दूसरा मकसद जो कि पॉलिटिकल है, एक दूसरा मकसद जो कि छुपा हुआ है, वो हासिल करने के लिए कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम करती है। तो जिस तरीके से मैं क्रिमिनल मीडिया बोलता हूँ ना, जिसे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्रिमिनल मीडिया है, उसी तरीके से ये जो एजेंसीज में इस तरह के ऑफिसर्स हैं वो क्रिमिनल्स हैं। तो जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं, जैसे मैं ईमानदार सोशल मीडिया को बोलता हूँ, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है सोशल मीडिया की कि ये क्रिमिनल्स को रोके। उसी तरीके से जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, एनफोर्समेंट एजेंसीज में ऑफिसर्स हैं, उनसे मैं आह्वान कर रहा हूँ कि देश के संविधान की शपथ ली है आपने, आप अपने अधिकारी जो कि आपके आसपास हैं, जो इस तरीके का क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ आप स्वयं FIR दर्ज करें और उन लोगों को अरेस्ट करें। CBI ने बहुत सारे केसेस में अपने खुद अधिकारियों को पहले बहुत अरेस्ट किया है, तो उसी तरीके से ईडी को भी चाहिए। ईडी के जो ईमानदार अफसर हैं उनके पास तो सारे सबूत होंगे इनकी बेईमानियों के किस तरीके से किसका फ़ोन आता है राजनीतिक आका का और उसके बाद तुरंत भाग के संजय रावत जी को अरेस्ट करने की या बुलाने की अभी ज़रूरत पड़ रही है। 5 दिन रुक जाएंगे तो शायद पहाड़ टूट जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा ना। अगर जो वो एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं देश का संविधान और देश की डेमोक्रेसी बचाने का, तो उसका टाइम नहीं देना उन्हें बिठा के रखना है। तो जो दूसरी तरीके से कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है जी, ईडी के सामने उनके सबसे बड़े नेता 5 दिन तक जाके चुपचाप बैठे रहे, राहुल गांधी जी। तो पार्टी के लोगों को मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए कि ईडी के एक भी अफसर के खिलाफ आज तक एक भी FIR दर्ज नहीं कराई है। किस तरीके की बदतमीजी वहां उनके टॉप लीडर से हुई होगी ये दुनिया जानती है। तो इसमें बुनियादी तौर पे ये बुजदिल लीडरशिप की कमी है कि ये देश के जनता के नौकरी तो हैं, ये ईडी के ऑफिसर्स, ये अगर क्राइम करेंगे तो इनके खिलाफ FIR नहीं करानी चाहिए। एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी ने भी आज तक नहीं कराई है। हमने दिल्ली दंगों में देखिए FIR कराई है ना, जिस जगह दिल्ली दंगों में पुलिस ऑफिसर्स ने अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे झूठी कार्रवाई की थी, हमने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रखी है ना। तो भारत के संविधान में इतनी ताकत है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? ईडी के जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, ईडी के जो क्रिमिनल अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उनके खिलाफ FIR शुरू करनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है देश का संविधान देश बचाने के लिए। सर, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, अभी कांग्रेस नेशनल कांग्रेस के दो अध्यक्ष हैं नाना पाटेला जी, उन्होंने कहा है कि जितने भी बागी विधायक हैं उनको इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं और डराया धमकाया जा रहा है। देखिए ना, उसके बावजूद भी कोई FIR दर्ज नहीं की। अभी तो महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे जी प्रेसिडेंट हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर हैं, उनको वहाँ FIR करानी चाहिए ना, यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ। एक CDR इसे तो निकालने हैं, CDR ही तो निकालने हैं जो वहाँ बैठे हैं, जो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर, एक उनके फ़ोन की CDR निकालनी है, एक जो यहाँ पे राजनीतिक चाणक्य हैं अमित शाह साहब उनके फ़ोन की CDR निकालनी है, एक जो इनके चारों तरफ लोग हैं नड्डा जी हैं उनके खिलाफ उनकी CDR निकालनी है। FIR दर्ज करें वहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस से कराएं और CDRs इनकी प्राप्त करें, सब समझ में आ जाएगा कौन किसके टच में है और किसके साथ क्या ज्यादती हो रही है। और एक टीम महाराष्ट्र पुलिस की जानी चाहिए मेरे ख्याल से। ये जो उनकी अपहरण हुए हैं लोगों के, उनकी फैमिलीज जो है, मुझे बताया जा रहा है कि राज ठाकरे जी की जो वाइफ हैं उनके टच में है, और बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज में न्यूज़ में मैंने पढ़ा है कि वो जो परिवार हैं उनके MLAs के,
उनकी जो महिलाएं हैं वो शिकायत कर रही हैं राज ठाकरे ये इनकी उद्धव ठाकरे जी की वाइफ से कि हमारे पति को पता नहीं किस तरीके से उठा के ले जाया गया, ये गया, जो इस प्रकार की अगर शिकायत भी मिलती है तो इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने महाराष्ट्र पुलिस को मेरे ख्याल से आसाम जाना चाहिए और कम से कम एक इंडिपेंडेंट उनको अलग ले जाके पूछ तो सकती है ना महाराष्ट्र पुलिस कि क्या आप किसी दबाव में हो, ये तो पूछ सकते हैं ना जाके उनको अलग से ले जाके, और अगर वो हल्का सा भी इशारा करें हाँ हम दबाव में तो उनको यहाँ लेके आया जाए सुरक्षा में महाराष्ट्र पुलिस की और फिर उनसे पूछा जाए कि आपको कैसे किस हालात में कैसे आपके साथ क्राइम हुआ, आपको कैसे इंजेक्शन लगाया गया, जो खबरें आ रही हैं ये जो FIR दर्ज होती है वो कोई किसी क्राइम के पूरे सबूत पे थोड़ी होती है। अगर इतनी खबर आ चुकी है कि वहाँ लोगों को डराया जा रहा है धमकाया जा रहा है शाम में और उनको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं तो इतना FIR दर्ज करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस के लिए काफ़ी है। उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने को तैयार थे मगर शरद पवार ने उन्हें रोक दिया, क्या लगता है शरद पवार कोई मास्टरमाइंड गेम खेलने वाले हैं? नहीं, इस वक्त तो गेम सिर्फ और सिर्फ RSS और मनुवादी मानसिकता के जो सरकार है इस वक्त जी और अमित शाह साहब और उनके जो दूसरे सहयोगी हैं वही गेम खेल पा रहे हैं। ये पवार साहब हालांकि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं और बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक बुद्धि रखते हैं लेकिन वो अभी डिफेंस कर रहे हैं देश का संविधान बचाने के लिए, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए वो अपना दिमाग अपनी सलाहियतें जो हैं वो डिफेंस के लिए लगा रहे हैं। ये देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम तोड़ने का काम तो यहाँ से हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और RSS द्वारा। ठीक है, और अभी एकनाथ सर बस एक सवाल, एकनाथ शिंदे की ओर से बयान आया है कि हम शिवसेना से अलग नहीं, हम शिवसेना के साथ हैं लेकिन हम हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम शिवसेना को छोड़ने के लिए ऐसा कोई भी बयान हमने अभी तक नहीं दिया, उनका कहना है ऐसा? धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे मैंने कहा ना आपको ED के ऑफिसर जो कि क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं जो कि क्राइम कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर महाराष्ट्र पुलिस एक FIR दर्ज करेगी तो मैं समझता हूँ शिंदे साहब भी शायद और जो उनके अंदर दिल में छुपी हुई बातें हैं वो साफ साफ बोलें कि हम पे दबाव है, ऐसा भी हो सकता है ना, तो उसके लिए लेकिन इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। महाराष्ट्र पुलिस को मेरे ख्याल से सबसे पहले ये किडनैपिंग की FIR दर्ज करनी चाहिए, ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि गुजरात क्यों ले जाया गया पहले, गुजरात में क्या हो गया ऐसा कि गुजरात से फिर आसाम ले जाया गया, मतलब बीच में आप देख रहे हैं ना गुजरात के बीच में UP भी था ना, मध्य प्रदेश भी था, सीधा आसाम क्यों ले जाया गया, क्या क्या देश के सुदूर हिस्से में ले जाके कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है? अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर इसमें इंटरेस्ट भी था और है तो उनको मध्य प्रदेश के क्या चीफ मिनिस्टर पर भरोसा नहीं था, उनको क्या UP के चीफ मिनिस्टर पर भरोसा नहीं था, आसाम ही क्यों जाना पड़ा? ये एक बहुत बड़ा आस्पेक्ट है जिसपे मेरे ख्याल से महाराष्ट्र पुलिस को FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हो सकता है शिंदे साहब भी दबाव में हो, ये भी तो हो सकता है ना, उनके खिलाफ भी तो पूरा अखबारों में खबरें छप रही हैं कि ED ने केस कर रखा है, ED ने धमकाया है उनको भी, तो ये धमकाना और वो भी किसी राज्य की सरकार गिराने के लिए धमकाना, ये भारत के संविधान के ऊपर, भारत के लोकतंत्र के ऊपर, देश की जनता जो है ना वी द पीपल उसके ऊपर हमला है, वॉइस ऑफ द पीपल के ऊपर हमला है, मैंडेट ऑफ द पीपल के ऊपर हमला है, इससे बड़ा अपराध कौन सा हो सकता है देश में? जी सर, बात संविधान की हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिप्टी स्पीकर के ऊपर रोक लगा दी है कि किसी भी तरीके का जो है वो निर्णय नहीं ले सकते, बिना निर्णय लिए ही रोक लगा दी गई, ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो आप ही जवाब दे रही हैं, अपनी सवाल का जवाब ही खुद दे रही हैं आप जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है, लेकिन उसके जवाब में मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि इस वक्त और ये ज़किया जाफरी का जो केस आया जी, उसने ये बिल्कुल साफ कर दी है बात, अब इसमें 1% भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है और वो दबाव इतना ज़्यादा है कि उन्होंने जनता से आह्वान किया था कि वो जो आके सुप्रीम कोर्ट की मदद करें, तो ये उससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है बात के वो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो थे बिल्कुल सच बोल रहे थे और इस देश की जनता की, इस देश की सभी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियों की ये कमी है और हमारी भी कमी है, मेरी खुद की कमी है कि हम सब लोग इकट्ठे होकर पीसफुल प्रदर्शन नहीं कर रहे जजेस के सपोर्ट में आने के लिए, हमें चाहिए कि हम जुडिशरी के सपोर्ट में कम से कम भी 10 लाख की रैली दिल्ली में करें कि हम लोग जुडिशरी के साथ हैं, जुडिशरी को नहीं डरना चाहिए, हम उन 4 जजेस ने जो कही थी बात उसको हम अब सच मानते हैं
और हम आप लोगों के साथ हैं, आप बिल्कुल निडर होकर फैसले करें ईडी से, और जो आपकी फोन टेपिंग होती है उससे ना डरें, क्योंकि ऐसे भी बार बार मीडिया में खुद हमारे राजनीतिक चाणक्य जो अपने आप को समझते हैं वो खबरें लीक कराते हैं कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी पेगासस से फोन रिकॉर्डिंग कर रखी है। तो उससे ना डरें, बिल्कुल नहीं डरने की जरूरत है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। मैं यहाँ से आह्वान करता हूँ, पूरा देश भारत की जुडिशरी के साथ खड़ा है। आप बहादुरी के साथ, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जिस भारत के संविधान की, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे बहादुर इंसान ने बनाया था, उसके उसकी आपने शपथ ली है, बिना डरे फैसले करें, पूरा देश आपके साथ। सर, जिस तरीके से अभी आपने बताया 2002 दंगे हुए, मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई, जैसे भारत का संविधान है और इंडियन पिनल कोड है, क्या क्लीन चिट जैसी कोई प्रक्रिया भी है? हर ऐसी प्रक्रिया जो वो चार सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कही थी जो नहीं एग्जिस्ट करती, बना ली जाएगी। क्लीन चिट, वाइट चिट, ग्रे चिट सब दे दी जाएंगी, सारी चिटें मोदी जी को दे दी जाएंगी, जो वो चाहेंगे वही चिट उन्हें मिल जाएगी, कोई भी चिट चाहे वो उनको दी जा सकती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ना, जनता को सुप्रीम कोर्ट और जजेस के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, भले ही अभी मनुवादी व्यवस्था से ये लोग आते हैं, अभी भले ही SC ST OBC और माइनॉरिटीज के और महिलाएं इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं करती, लेकिन इन जजेस में भी कुछ ना कुछ कॉन्शियस बाकी है, कुछ न्याय करने की इच्छा बाकी है। तो इसलिए हमें सबको साथ खड़े रहना चाहिए। जहाँ तक आपने SIT की जो जो केस की बात की है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है पूजा पाल नाम की, रुआबुद्दीन शेख की, के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है ना, वो सबसे बुनियादी चीज़ है। अगर वो सबूत ही झूठे इकट्ठे करेंगे, अगर वो सबूत ठीक से इकट्ठे नहीं करेंगे तो अदालत क्या कर लेगी? तो इसी तरीके से ईमानदार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होने सबसे ज़रूरी हैं। तो ये SIT भी है, क्या इस पे इन्वेस्टिगेशन की गई? मैं उन वकीलों को सलाह नहीं देना चाहता जिन्होंने वो केस लड़ाए, लेकिन क्या उनकी जो ऑफिसर्स थे उनकी ईमानदारी पे क्वेश्चन उठाए गए या नहीं गए? क्या उन्होंने पूरे सबूत इकट्ठे किए मोदी जी के इन्वेस्टिगेशन में, अमित शाह जी के इन्वेस्टिगेशन में? नहीं किए। अगर सबूत ही इकट्ठे नहीं करेगी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो अदालत क्या कर लेगी? तो ये भी एक बुनियादी बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ED के अफसर जो इस वक्त काम कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार से भरे हुए साफ नज़र आ रहे हैं। जस्टिस और इन्वेस्टिगेशन ना सिर्फ होनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी हो रही है ये नज़र भी आनी चाहिए। उसमें ED और हमारी सारी एजेंसियां फेल हो गई हैं और वो साफ जाहिर हो रहा है कि पॉलिटिकल दबाव में वो सारे अपने संवैधानिक जो कार्य हैं कर रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि क्राइम। आज जैसे देश में हमारे युवाओं का इतना बड़ा मुद्दा था और देश बर्बाद कर दिया जा रहा, अब पूरे विदेशी जो हमारी सीमाएं हैं उनकी जो सुरक्षा का मामला था, उसमें भर्ती वाला जो मामला था उसको डाइवर्ट किया गया, उसके बारे में आप उनको क्या कहेंगे कि उनके भविष्य से कैसे खिलवाड़ है? भविष्य से नहीं, देश से खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य से तो हो ही रहा है। चाइना और पाकिस्तान और इसराइल, इन तीन कंट्रीज के साथ मिलकर देश की सेना को कमज़ोर करने की साजिश है अग्निपथ की योजना। इसके बारे में आवाज़ उठाई भी जा रही है और आवाज़ उठानी चाहिए। देश के नौजवान नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, नौकरी तो 50 जगह और भी मिल सकती है। ये जो नौजवान हैं जो फौज में जाना चाहते हैं, ये देश के सबसे कीमती लोग हैं, इनको देश की चिंता है अपनी नौकरी से भी ज़्यादा। तो इसको मेहरबानी करके नौकरियों में ना तोला जाए। वो इस बात से चिंतित हैं कि देश की सेना कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, देश की सेना की जो ताकत है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अभी तो जिस तरीके से आग लगाई जा रही है युवाओं के जरिए से, और ट्रेनें तोड़ी जा रही हैं, ट्रेनों में आग लगाई दी जा रही है, पटरियां तोड़ी गई, और देश का बहुत सारी गाड़ियों का वैसे संपत्ति का नुकसान किया जा रहा है, तो इसमें कौन इसमें शामिल हो सकता है? क्या इन लोगों RSS, ये सिर्फ और सिर्फ RSS और मनुवादी मानसिकता के जो कार्डर्स हैं वही वायलेंस करते हैं, वही वायलेंस कराते हैं। वरना कोई भी ऐसा नागरिक जो कि देश के लिए कुर्बानी देने के लिए जाना चाहता हो फौज में, वो हिंसा करेगा ही नहीं, ये झूठ बात है। सर, सेना से शिवसेना पे ला दिया गया मुद्दा, क्या हमेशा से BJP की मंशा ऐसी रही है? लोगों का कहना है, ऐसा कहा भी जा रहा है कि हमेशा से जो है मुद्दों को भटकाने की जो है इस तरीके से करते हैं, तो सेना से शिवसेना जो अभी हाईलाइट हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, यही तो उनके पास रास्ता है, लेकिन वो जो उनका रास्ता है उसे आप जैसी ईमानदार मीडिया जो है सोशल मीडिया वो फेल कर रही है। जो क्रिमिनल मीडिया है, जो सो कॉल्ड अपने आप को मेनस्ट्रीम मीडिया कही जाती है, जो अडानी अंबानी और इन जैसे दूसरे भ्रष्ट
जो उद्योगपति हैं उनके कब्जे में, वो बेईमानी कर रहे हैं आरएसएस के साथ और बीजेपी के साथ मिलके। आप तो उनकी ये सारी चालें नाकाम कर रहे हो, इसीलिए सोशल मीडिया को भी खतरा है, आप लोग तैयार हो जाए। और मैं सारे वकीलों से गुजारिश करता हूँ, किसी भी सोशल मीडिया के भाई के और बहन के साथ कुछ भी होता है तो वकीलों को उनके साथ एक बार मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। सर, अभी एक जन्नत जो जुबैर हैं अभी पकड़े गए हैं, ऑल्ट न्यूज़ के फैक्ट चेकर हैं, चाहे वो जुबैर हो, जुबैर से लेके लंकेश, गौरी और जुबैर तक, अभी जो है जिस तरीके से हो रहा है, कभी एक्टिविस्ट तीस्ता है उनके ऊपर भी इस तरीके से हिरासत में उनको ले लिया गया, 20 साल बाद इस फैसले को जो है ला करके दिखा दिया गया और उनको जो है साजिशकर्ता बता दिया गया तीस्ता को, ऐसी जो जुबैर हैं उनको भी अब इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो जो व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग उन्हें जेल भेज रहे हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करा रहे हैं, उनके ऑफिसों में रेड करा रहे हैं। मेरे ऑफिस में भी अभी भी मुसलसल रेड्स और पुलिस की विजिट्स होती रहती हैं। तो ये सबसे बड़े हमारे देश के इस वक्त जो देश के रक्षक हैं, ये जुबैर साहब हैं, तीस्ता शीतलवाद हैं, या जैसे भी जितने भी लोग अभी जेलों में हैं, वो सब देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। ये उनके लिए सबसे बड़ा सबूत है कि उनको ये सरकार किसी भी कीमत पर मार डालना चाहती है या उनकी आवाज़ दबा देना चाहती है, झूठे मुकदमे लगा के ईडी के द्वारा या किसी भी संस्थान के द्वारा उनको दबा लेना चाहती है। इस वक्त सभी संस्थानों ने क्रेडिबिलिटी खो दी है, किसी चीज़ पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आरएसएस और बीजेपी कर रही है, जिसके खिलाफ कर रही है, वो ईमानदार व्यक्ति है, जुबैर ईमानदार है, तीस्ता शीतलवाद ईमानदार है, जो लोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं वो सब बेईमान है। ये बेसिक फार्मूला मान के हमें चलना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी कोई काम ठीक कर ही नहीं सकती, जिसको भी वो तंग कर रही है वो अच्छा आदमी है। सर, एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से अभी मैं अभी जुबैर है और एक्टिविस्ट है, उमर खालिद हो चाहे ये सब लोग हो, इनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है कि, और न्यायालय जो है क्या सरकार की कठपुतली बन गई है, क्या उसे ऐसा कहा जा रहा है कि उस नागपुर से मॉनिटर किया जा रहा है? नागपुर से भी ज़्यादा मुझे डर है कि ये इसराइल, चाइना और पाकिस्तान से मॉनिटर किया जा रहा है और उनको कंट्रोल किया जा रहा है। नागपुर भी कंट्रोल में है इन ताकतों के, या नागपुर सहयोग में इन सब ताकतों के, ये हमारा ज़्यादा बड़ा कंसर्न है। जहाँ तक दबाव की बात है, वो 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, मैंने अभी भी बताया आपके इंटरव्यू में, बोल ही चुके हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा। वो तो अंदर से जो हॉर्सेज माउथ इंग्लिश की कहावत है ना, वहाँ से बताया जा रहा है कि दबाव में है सुप्रीम कोर्ट भी। शुक्रिया सर। अभी हमारे साथ महमूद प्राचा जी थे, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, बहुत अच्छी अपनी जो है बातें रखते हैं, हमेशा से समाज के हित की बात करते हैं, हमेशा से समाज के लिए लड़ते आए हैं, शोषित पीड़ित वंचित एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वर्ग की बात करते हैं, हमेशा से इसी तरीके की जो है लगातार बातों को तवज्जो देते हैं, तो उन्हीं से आज हमने बात की। इसी तरीके से देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली।